लाइफ का स्ट्रगल देखें आप। देखिए लोग पानी भरने के लिए कहाँ जाते हैं, ये सुंदरखाल गांव है दोस्तों, क्योंकि भाई ने बताया कि वहाँ पर टाइगर था। ये देखिए ये सब नाले हैं, इसी में से होकर गुजरता है टाइगर। ये देखें बाबू जी आ रहे हैं, हाँ वो आगे है और ये पक्का पानी पीने के लिए गया होगा, क्योंकि यहाँ पार्किंग डियर की कॉल हुई अंदर, ये तीसरी बार आवाज। लोगों का कहना है कि जंगल और जंगल के रास्ते दिन में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जंगल जितना दिन में खूबसूरत है उतना ही रात में भी। तो दोस्तों मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो जब भी समय मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूं अपने कैमरे के साथ वीडियो बनाने जंगल के रास्तों पर, जंगल की खूबसूरती के बीच। और जब भी कोई वाइल्ड लाइफ रास्ते में मिलती है तो उसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे वाइल्ड नाइट ड्राइव चैनल में, और आप देख रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल। और हम जा रहे हैं फिलहाल अभी सुंदरखाल से जीरो पॉइंट की तरफ। तो इस बीच जो भी वाइल्ड लाइफ दिखाई देगी वो आपको हम दिखाएंगे, अदरवाइज जो भी एक्टिविटी जंगल में होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जंगल आप देख लें पहले। अरे मिल गया, देखिए शुरुआत में ही हमें स्पॉटेड डियर मतलब वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हो गई है। देख रहे हैं आप स्पॉटेड डियर का ग्रुप है, जूम करते हैं। एक दो तीन चार पांच। तो दोस्तों सारे के सारे मेल है। देखिए एक का एंटेला तो बस स्टार्ट ही हुआ है, समझ लिए निकलना। एक के काफी बड़े हैं और इनके एंटेनर जो है ना वो दो टाइप के हैं। देखो एक के एंटेनर में ना रेशे रेशे से हैं, ये देखो ये निकल के जो आया पेड़ के पीछे से, और एक के बिल्कुल सूखे सूखे से एंटेनर हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटर में देख रहे हैं आप, इसके एंटेनर देखिए इस पर रेशे नहीं है, इसके एंटेलर निकल रहे हैं जो सेंटर में है। और ये जो आगे गया इसके इसके एंटेलर्स पर रेशे हैं, तो इसका डिफरेंस बताइएगा मुझे ज़रूर। ये देखिए सबके सब मेल हैं, सबके सब मेल है, कोई फीमेल नहीं है। इनका डिज़ाइनर थोड़ा रफ टाइप का है कलर। हाँ क्योंकि मेल एनिमल की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेल ही होता है, फीमेल थोड़ी डल कलर की होती है। देखिए अलर्ट होके अपना चल रहे हैं। ये देखें अब ये कितना खूबसूरत है, अमेजिंग। और ये अभी हमें सुंदरखाल में एंट्री करने से पहले ही मिल गया, मतलब समझ लीजिए इससे जस्ट आगे गर्जिया चौकी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल दोनों होगा, बने रहे वीडियो के साथ। यहाँ जस्ट मेरे बगल में हाईवे है, देख सकते हैं आप, ये इस वजह से गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको अदरवाइज। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, जो डियर्स के साथ साथ लंगूर भी इनके साथ साथ रहते हैं, ये इनके चौकीदार हैं या जंगल के चौकीदार, दोनों तरीके से कह सकते हैं आप। ओहो हो वाओ, ये बैठे हैं तो पूरा ग्रुप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे पहले अंधेरा हो जाए। देखिए बगल में
रिंग मेल वाला भी आ गया। जूम करने का मौका देगा ये? जब तक नहीं देगा तब तक ऐसे तो बना ही लूँ, और भी आएंगे। हो गया आगे, एक और पीछे। ये देखिए दोस्तों, घास की जगह कुछ पन्नी खा रहा है, मतलब प्लास्टिक वाला कोई आइटम। सुन करता हूँ यार, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ द जंगल। ये है जंगल की असली खूबसूरती। वाह वाह वाह, पत्ते के नीचे से झांक रहा है यार। ये फीमेल है, अभी मेल आएंगे, अभी वो पीछे है इसके जस्ट। ये देखिए मेल ही है। इसके वेशे देखें आप, एंटलर्स पर। इससे ज़्यादा नज़दीक तो मिलेंगे भी नहीं। एक और आया पीछे, इसके एंटलर्स पर वेशे नहीं है। देखिए चले गए क्या? लगता है अंदर चले गए, और भी होंगे, पीछे होंगे अभी। हम थोड़ा नीचे आ गए ना। तो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है हमारी गर्जिया गेट से, मतलब ये गर्जिया चौकी भी है यहाँ पर। और एंटर्ड हो गए हम सुंदरखाल गांव में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल दोनों होगा, क्योंकि ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल। तो इसमें वाइल्ड लाइफ भी साइटिंग हो सकती है, अदरवाइज हम जंगल की एक्टिविटी देखने ही वाले हैं। और शाम का समय तो बने रहे वीडियो के साथ, कुछ भी मिल सकता है, टाइगर कॉल भी मिल सकती है सुनने को। जी हाँ, टाइगर कॉल मतलब हिरनों की आवाज़ या पक्षियों की आवाज़, जो कि टाइगर के आने का अनुभव करके वो आवाज़ देते हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, हाँ लाइफ का स्ट्रगल देखें आप। देखिए लोग पानी भरने के लिए कहाँ जाते हैं, ये सुंदरखाल गाँव है दोस्तों, पानी भरने के लिए अंदर जंगल तक जा रहे हैं, लेकिन ऊपर एक फॉरेस्ट चौकी बनी हुई है, तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। और बाकी देखते हैं फटाफट कहाँ कहाँ हमें वाइल्ड लाइफ मिलने वाली है। देख रहे हैं ज़बरदस्त जंगल है ये, रात होती शांति हो जाती है यहाँ पर, ज़बरदस्त वाली। तो देखें आप सुंदर सा नज़ारा अभी सूरज की रोशनी के साथ। वाह, यह है शाम का समय जंगल का। तो एक्टिविटी में ये सब आता है कि जंगल कैसा लग रहा है। बाकी देखें आप, अब एक नाला क्रॉस करेंगे हम अभी। तो दोस्तों ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई ने बताया कि वहाँ पर टाइगर था। ये वो जगह है जहाँ पर सांबर डियर को एक बार कोई शख्स जो गाड़ी वाला था, वो हाथ से चने या कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था। वो हमारे ब्लॉग में है, चैनल पेज में आके देख सकते हैं। और एक नाला था जहाँ पर अभी हिरन थे बहुत सारे, वो बता रहे थे भाई कि यहाँ पे भी अभी कॉलिंग हुई थी, और उससे आगे बढ़ रहे हैं हम। ये दूसरा नाला था, यहाँ पे भी उस टाइम एक्टिविटी रही है, क्योंकि ये पनौद नाला है आगे जो आप देख रहे हैं। बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा यार। कोई गाड़ी आई नहीं आई, वो आगे बता रहा है ना। हमने वीडियो देखी तो उससे समझ में आया हमें कि थोड़ा सा आगे भी चल रहा है। ये देखिए ये सब नाले हैं, इसी में से होकर गुजरता है टाइगर। बहुत केयरफुली अपना छोटे गियर में रखना, दूसरे में, जिससे पिकअप बना रहे, ठीक है? हाँ, संभाल के चलाना बहुत। ये तो मत देखो, सामने देखो, मैं देख रहा हूँ बाकी। बहुत संभल के चलना है दोस्तों, क्योंकि ये नाले के आगे ही बता रहे हैं कि है, और यह गाड़ी
कोई आया ही नहीं आई भाई भाई, उसकी तो आवाज़ ही डरा देगी भाई साहब, गिरा देगा वो तो छच्छों को। और थोड़ा सा ना स्पीड में ही निकलना हल्का सा, क्योंकि अभी तो फिलहाल बाइक वाले आ रहे हैं, हो सकता है निकल गया हो। हाँ, तो हम एग्जैक्ट जगह बताएंगे आपको। हाँ, पिछले साल तो उस टाइगर को पकड़ने के लिए जाल यहाँ लगाया गया था इस साइड। जो मैन ईटर था वो लास्ट ईयर क्या 2023 की स्टार्टिंग में, ठंड में यहीं कहीं स्पॉटेड डियर भी घूम रहे होंगे, जो कि घूम रहे हैं, लेकिन हम गाड़ी नहीं रोकने वाले। उन्होंने बताया कि टाइगर है वो आगे है, और ये पक्का पानी पीने के लिए गया होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड कोसी रिवर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, राइट हैंड साइड कोसी रिवर है और बहुत सारे स्पॉटेड डियर यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन कोई कॉलिंग नहीं है। लेकिन भाई ने बताया तो अलर्ट होकर जाना पड़ेगा। बोला हम तो फोर व्हीलर में थे तो सेफ थे, सोचा आपको बता दिया। देखिए वो जगह आने वाली है, तो थोड़ी सी स्पीड हल्की सी बढ़ा लो। हाँ, ये वही जगह है। तो उससे नाला है, यहाँ से जाता है टाइगर। ये कॉरिडोर है, यहाँ पे भी एक राइट हैंड साइड ये नाला है। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ फटाफट। बता, ये थी ये जगह जो मोबाइल में दिखा रहे थे अभी, वो ये जगह थी। फिलहाल अभी तो शायद यहाँ नहीं है, अंदर पानी की ओर चला गया होगा वो, क्योंकि ये नाला है। यहाँ पर 2 से 4 नाले हैं जहाँ से गुजरते हुए वो नदी की ओर जाता है टाइगर, और वो पानी पीता है वहाँ जाकर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, फटाफट 0 पॉइंट पर रोका आते हैं। यहाँ तो अभी हमें कुछ नहीं दिखा फिलहाल, वो निकल गया होगा। तो ये बस किस्मत वाली बात होती है, वो भाई ने वीडियो बनाने की कोशिश करी लेकिन बन नहीं पाई, इतनी देर में वो अंदर चला गया था। हाँ, भाई अकेला था, फोर व्हीलर पर था, तो स्टेयरिंग हाथ में होता तो एकदम रिस्पॉन्स नहीं हो पाता। और तो ना बात करी मैंने तो उनका, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में टाइगर देखा उन्होंने। अच्छा, लाइफ में फर्स्ट टाइम टाइगर देखा भाई ने बताया। वो जो सांसें थी वो चली भी थी। हाँ, तो मतलब रोकते के साथ उन्होंने हमसे खुद बात करी, वो देखो आगे संभल के जाना, आगे टाइगर। हाँ, वो देखो संभल के, तो स्पॉटेड डियर भी चल रहे हैं, ये बहुत सारा ग्रुप है यहाँ पर। ये देखिए स्पॉटेड डियर सब फीमेल है, पूरा ग्रुप घूमता हुआ, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये तुम आसपास देखते रहना। ये देखो देखो लड़ाई कर रहे हैं। सब हमें देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जानवर है ये, बहुत खूबसूरत। कैसे देख रहे हैं हमें प्यार से। चलो 0 पॉइंट पर बढ़ते हैं, ये टहलते रहेंगे और चढ़ते रहेंगे यहाँ पर। चलो तो बहुत सारे स्पॉटेड डियर हैं अंदर, लेकिन हमें 0 पॉइंट पर जाना है। वहाँ चलते हैं जल्दी से, फिर आते हैं अंधेरा होने से पहले पहले। झाड़ियों के बीच में था। ये देखिए और भी स्पॉटेड डियर मिले, और ये मेल भी है साथ में। चलो यहाँ है धनगढ़ी गेट, और अंदर है म्यूजियम प्लस ढिकाला के लिए रास्ता जो जाता है सफारी के लिए। और पहुँच गए हम धनगढ़ी नाले के पास। अभी तो काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ मिल गई है हमें, अभी और देखते हैं, क्या पता यहाँ से कुछ दिख जाए। यह है पूरा ग्रासलैंड, यहाँ हाथी भी घूमते हैं और टाइगर भी, और
डियर्स भी, तो सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ मिलने वाली है। और ये देखें सुंदर नज़ारा, ये देखें बाबू जी आ रहे हैं कहाँ, एक और भैया जी, और एक देखिए नेचर कॉल करते हैं, ये भी तीन तीन है। ये देखिए यही पीछे कुछ दूरी पर टाइगर मिला, ये देखिए धनगढ़ी नाला है यहाँ मिलता टाइगर लगभग 90%। देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए जीरो पॉइंट की ओर, या सुसाइड पॉइंट जहाँ से हम आपको वाइल्ड लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो सुंदर नज़ारा होता है वो साथ ही वो भी दिखाते हैं आपको। बहुत डेंजर और ज़बरदस्त जंगल है ये, एक गधेरा जा रहा पूरा बरसाती नाला। मैक्सिमम लोग यहाँ आने के बाद व्यू पॉइंट पे रुकते ही रुकते होंगे। बिल्कुल नज़ारा ही कुछ ऐसा सुंदर। देखिए हम पहुँच चुके हैं सुसाइड पॉइंट पर, जीरो पॉइंट कह लें, और यहाँ दो स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं। पिछली बार आए थे हम तो यहाँ सांबर डियर दिख रहे थे एलगी खाते हुए, अभी नहीं दिख रहे हैं। लाल वो दो स्पॉटेड डियर मिले हैं। एक टीटी हरी घूम रहा, एक नहीं दो हैं। हो सकता आगे हूँ किरण, दिख तो रहा कुछ आगे, वो वहाँ शायद वही हो। और भी झुंड है, वो वहाँ ये है पूरा झुंड, बहुत दूर है, पूरा ग्रुप है एक साथ। काफ़ी दूर है, कोई नहीं, नज़दीकी वाले भी आपको दिखाए हैं हमने। यहाँ बार्किंग डियर की कॉल हुई है अंदर, यही तीसरी बार आवाज़, वहाँ से सुनाता हूँ आपको। दोस्तों यहीं से आ रही है आवाज़, अभी जस्ट हम यहाँ पहुँचे ही थे। ट्रैफिक कंटिन्यू है, एक तो कैसा आवाज़ सुनूंगा, तीन बार आई बार्किंग डियर मतलब मुंटे जैक काकड़ की। एक बार जिसने नहीं सुनी है उसकी वीडियो मैं अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वो बार्किंग डियर है, उसकी बार्क सुने आप। देखिए बार्किंग, बार्क करते हुए, इसे बोलते हैं बार्किंग डियर। आज आपको बार्क सुना दी।
पार्क। इसी सुंदर नज़ारे के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।